हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्रांतिक चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो आज मैं आपको कुछ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाला हूं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। आपके जो भी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। चलिए नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है एक्सेल इंट्रोडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के लिए बहुत ही सिंपल एंड इजी है। आपको करना क्या है, विंडो आर बटन प्रेस करना है। विंडो आर, विंडो आर से क्या होगा, आपका डायरेक्ट रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर आपका जो नाम है एक्सेल, यहाँ पर आपको टाइप करना है। ये जो ओपन दिखाई दिया, ओपन के सामने आपको एक्सेल ये रन कमांड टाइप करना है। अगर कोई दूसरा है तो उसको कट करके आपको EXCEL एक्सेल ये आपको टाइप करना है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ। ये देखो ऐसे क्या टाइप करना है, ओपन के सामने EXCEL एक्सेल, सिंपल सा रन कमांड है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, या फिर आप कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस कर सकते हो। ओके किया, जस्ट वेट। एक्सेल में स्टार्टिंग जो आपका इंट्रो है बहुत ही सिंपल है, बट कैसे करते हैं ये आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक्सेल में जूम इन जूम आउट कैसे होता है। ये जो माइनस दिखा था आपको, माइनस इट इज़ अ जूम आउट। जो प्लस है उसको हम जूम इन बोलते हैं, क्योंकि बीच में एक ऑप्शन आता है डायलॉग बॉक्स, उसको आप क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, इट इज़ अ जूम इन, और माइनस मतलब जूम आउट। तो प्लस करो, प्लस करने के बाद थोड़ा प्लस कर दो, जितना मैं प्लस करूँगा उतना आपका जो एक्सेल का सेल है, शीट है, वो बढ़ जाएगा। जितना माइनस करूँगा उतना कम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, व्यू में जाना है, जूम पे क्लिक करना है। दिखाई दिया, आया डायलॉग बॉक्स। जूम पे आप 200 ले लो तो भी चलेगा। ओके, व्यू में जाके जूम पे आप 100 ले लो, 100 उसको बोलते हैं, 75 ले लो और ओके करो तो भी चलेगा। बट अगर आप बोलोगे सर मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट के लिए आपको करना क्या, बहुत ही सिंपल है। Alt W Q क्या प्रेस करना है, Alt W Q, और आपका जो एरो है सिलेक्ट करना है एरो से, पर एंटर बटन प्रेस करना है। Alt W Q, डाउन एरो एंड टॉप एरो सिलेक्ट करना है और एंटर करना है, जो भी आपको साइज चाहिए या जूम चाहिए। Alt W Q याद रखना, ऊपर जाओ और एंटर करो, सिंपल। और Alt W प्रेस करते समय आपको Alt फिर W दोनों को छोड़ के फिर Q प्रेस करना, डायरेक्ट तीनों एक साथ नहीं प्रेस करना। Alt W Q, पहले Alt W दोनों को छोड़ो फिर Q प्रेस करना, सिंपल। देन नेक्स्ट, एक्सेल में आपको कॉलम रूम पता होना चाहिए। एक्सेल के अंदर जो कॉलम है इट इज़ 1, 2, 3, 4 दिखाई दे आपको, उसको हम कॉलम बोलेंगे। रो क्या है, ये जो है ना नीचे ना 1, 2, 3। बड़ा बोलोगे सर नीचे भी 1, 2, 3, ऊपर भी 1, 2, 3, तो आपको क्या करना है, फाइल में ऑप्शन, ऑप्शन में फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में R1 C1 रेफरेंस टाइल, यहाँ पे टिक मार्क हटाना है, ओके करना है, IABCD। तो ये जो ए ना ए उसको कॉलम बोलेंगे, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ऐसे बहुत सारे उसको हम कॉलम बोलेंगे। कॉलम एग्जैक्ट क्या होता है, इट इज़ अ वर्टिकल वो कॉलम। रो क्या है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या बोलेंगे, रो। एंड पर्टिकुलर बॉक्स क्या है, इट इज़ अ सेल, क्या बोलेंगे, सेल। बहुत ही सिंपल है, जो पर्टिकुलर बॉक्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेल। उसके बाद कॉर्नर में ये देखो, यहाँ पे दिखाई दे एक छोटा सा बॉक्स है स्क्वायर में, कर से लेके जाओ, यहाँ पे उस बॉक्स का नाम दिया है नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स क्या है, मतलब इसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है। नेम बॉक्स क्या है, जैसे आप ये जो छोटे छोटे सेल है ना इस पर क्लिक करो, तो क्लिक करने पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, क्लिक करने पे यहाँ पे एक नाम आया A1, यहाँ पे क्लिक करो, कौन सा नाम आया B1, यहाँ पे क्लिक करो C1 आया, D1 आया, नीचे आ जाओ A के लाइन पे A आया, A3 आया, फिर A4, B1, B2, B3, B4, ये नाम कैसे आया, बिकॉज जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा उसके जो ऊपर है ए,
और रो में कौन सा नाम है, वन, तो क्या हुआ ए वन, समझा। तो इसके लिए इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करोगे इसका नाम यहाँ पे शो करेगा, देयर इज अ सेल नंबर, क्या बोलेगी सेल नंबर, ठीक है। चलो एक्सेल में और एक चीज, कॉलम रो सेल एंड शीट। देखो एक्सेल में जो कॉलम है ना, कॉलम 16,384 है, रो है 10,48,576, उसके बाद सेल है 17,17,90,69,184, 17,17,90,69,184, ये 17 अब्ज बोल सकते हो, 17 अब्ज, 17,98,69,184। यहाँ पे क्या है शिट, शिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनलिमिटेड, शिट कितना है अनलिमिटेड। वे आप सोचोगे शिट का कुछ नंबर वंबर होगा, कुछ भी नहीं, शिट क्या है, इट इज़ अ अनलिमिटेड। वो एक्सेल ने फिक्स किया है कि एक्सेल के अंदर जो शिट होते हैं वो इट इज़ अ अनलिमिटेड, एक्सेल में जो शीट होते हैं वो क्या है अनलिमिटेड, ओके ठीक है। तो सेल समझा कितना है, रो है एक्सेल में, कॉलम कितना है, शीट्स कितने। अब कॉलम आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 16,384 है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और कंट्रोल राइट एरो, क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल बटन प्रेस करो, राइट एरो आया कि नहीं, कि अरे सर ये एक्स एफ डी कैसा है, ये तो अलग है। तो उसके लिए आपको फाइल में ऑप्शन, फाइल में ऑप्शन, ऑप्शन में फॉर्मूला, फॉर्मूला में आर वन सी वन को टिक करना है, आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल, ऐसे ओके करना है। इससे क्या होगा आपका जो ए बी सी डी है वो 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 16,384 मैंने आपको बताया, सिंपल। फिर वापस लाना है तो कंट्रोल, कंट्रोल लेफ्ट एरो, उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल लेफ्ट एरो, सिंपल फंड, समझा। फिर वापस 1 2 3 का एबीसीडी करना होगा, तो फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन के बाद फॉर्मूला R1C1 दिखाई दिया रेफरेंस टाइप, इसको टिक करो, यहाँ से ओके करो, सिंपल अपने आप आ जाएगा, अपने आप वापस आ जाएगा, मतलब ए बी सी डी का 1 2 3 कन्वर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट सेल मैंने बता दिया कितना है शीट्स, अभी रो, रो के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो, 10,48,576, समझा, सिंपल। ये मैंने आपको देखा है कि आपके एक्सेल में टोटल रो कॉलम कितना होता है, कंट्रोल टॉप एरो। ये रहा हमारा आज का एक्सेल का लेक्चर, और भी है आगे हम बढ़ेंगे। एक्सेल में अगर आपको न्यू शीट लाना है तो शीट 1 शीट 2 शीट 3 दिखाई दिया, इसके बाजू में यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे क्लिक करना है, देखो दिखाई दिया, इसे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे ना आपका वैसा शीट्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी बोला है शिफ्ट F11, क्या है शिफ्ट F11, तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करना है, बट अभी मेरा लैपटॉप है इसलिए मैं शिफ्ट FN F11 प्रेस करूँगा, ये देखो दिखाई दिया शिफ्ट FN F11, बिकॉज मेरा लैपटॉप है। अगर आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, तो आप ओनली शिफ्ट F11 प्रेस कर सकते हो, ओनली शिफ्ट F11, मेरा लैपटॉप है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ शिफ्ट FN F11, पर आपका अगर कीबोर्ड है तो ओनली शिफ्ट F11, ओके सिंपल। फिर आपको क्या करना है, देखो एक्सेल में आपको बता दिया, थोड़ा जूम करते हैं, एक्सेल में होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू एंड व्यू, होम से लेके व्यू तक, होम से लेके व्यू तक, ये जो सारे के सारे उसको हम
होम से लेके व्यू तक ये जो सारे के सारे हैं उन सबको हम टैब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब। टैब बोलो या टैब्स बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और जो फाइल है उसको हम बोलते हैं मेनू बार। जो फाइल है उसको हम क्या बोलेंगे? मेनू बार, सिंपल। और यहाँ पे रिस्टोर डाउन, इस पर क्लिक करोगे तो एक्सेल छोटा हो जाएगा, दिखाई दिया? इस पर क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा। इसको अगर आप मिनिमाइज करोगे ये देखो तो मिनिमाइज हो जाएगा। ओपन करोगे तो क्लिक किया दिखाई दिया, ऐसे कट किया तो कट हो जाएगा। ये देखो मैंने कट करता हूँ, ये देखो कट करने के बाद उन्होंने पूछा है डू यू वॉन्ट टू द सेव द चेंज यू मेड टू बुक वन। अगर आपको सेव करना है तो सेव करो, डोंट सेव करना है तो सेव करो। कैंसिल करना है तो ये बॉक्स कैंसिल हो जाएगा, दिखाई दे बॉक्स। जो बॉक्स है ना कैंसिल करने के बाद ये जो बॉक्स है ये कैंसिल हो जाएगा। डोंट सेव से पूरा एक्सेल वर्ड बुक बंद होगा, तो सेव करने से होगा। मुझे क्या करना है डोंट सेव, समझा? एक्सेल फिर से ओपन करने के लिए क्या करोगे? विंडो आर, जो मैंने शॉर्टकट बताया था, एक्सेल टाइप करो एंटर, यहाँ से थोड़ा सा प्लस करो। एक्सेल में ये जो राइट साइड में दिया है उसको हम स्क्रोलिंग बार, क्या बोलेंगे? स्क्रोलिंग बार, मतलब ये स्क्रोल करते हैं बस, एक्सेल ऊपर नीचे दस। ये देखो ये एफएक्स के बाजू में एक बॉक्स है उसका नाम है फॉर्मूला बार। क्या है? फॉर्मूला बार। अब ये फॉर्मूला बार का एग्जैक्ट यूज क्या है? फॉर्मूला बार का जो एग्जैक्ट यूज है देखो, अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 50 और उसी के नीचे इज इक्वल टू 25 प्लस 25, एंटर करो, दोनों सेम। यहाँ पे क्लिक करो, अमाउंट है क्लिक करो, क्या हुआ? शो द फॉर्मूला, मतलब 50 पे क्लिक करने के बाद क्या शो हुआ? फॉर्मूला बार। इसका एग्जैक्ट यूज क्या है? शो द फॉर्मूला। इस पर क्लिक किया तो अमाउंट शो हुआ, और इस पर क्लिक करने के बाद शो द फॉर्मूला। समझा आपको कि फॉर्मूला बार का एग्जैक्ट यूज क्या? ओके, सिंपल। ओके, एक्सेल में मैं और एक चीज़ बताना है। अगर आपको यहाँ पे कोई अमाउंट टाइप किया 500, इसको अगर आपको प्लस करना, जैसे कि मैं यहाँ पे 200 टाइप करता हूँ, तो इज इक्वल टू सिलेक्ट और प्लस 200 आया 700। इसको अगर माइनस करना होगा तो इज इक्वल टू 500 माइनस 2, सिंपल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट टाइप किया है तो इनका मुझे सम निकालना है, क्या निकालना है? सम। तो आपको इसको पूरा सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑटो सम करना है, इससे क्या आ जाएगा? टोटल क्या आ जाएगा? समझा? ये हुआ आपका एक्सेल का इंट्रोडक्शन। तो याद रखना एक्सेल में, एक्सेल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका आपको इंट्रो पता होना चाहिए कि एक्सेल में कॉलम, रो, सेल, शीट, उसके बाद माइनस प्लस, जूम जूम आउट, स्क्रोलिंग बार, रिस्टोर, उसके बाद मैक्सिमम क्लोज, होम से लेके व्यू तक, फाइल, उसके बाद 1 2 3, ए बी सी डी, कॉलम, रो, सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर में यही समाप्त करते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट मार्कशीट। चलिए सीखते हैं कि स्टूडेंट मार्कशीट कैसे करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। तो सबसे पहले करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करने के बाद एक्सेल टाइप करना है। एक्सेल टाइप करो, सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ओके प्रेस करना है, या फिर आप कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस कर सकते हो। सी दिस नाउ, एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको थोड़ा सा जूम करना है,
जूम टू, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम शॉर्टकट की बताया था, उस शॉर्टकट का नाम है अल्ट डब्ल्यू क्यू। क्या नाम है? अल्ट डब्ल्यू क्यू। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 100 तो भी चलेगा, यहाँ से ओके करो, या फिर अल्ट डब्ल्यू, यहाँ से क्लोज करना, यहाँ से अल्ट डब्ल्यू क्यू 200 करो तो भी चलेगा। बराबर है, सिंपल। तो चलिए स्टार्टिंग क्या करना है आपको, सबसे पहले सीरियल नंबर क्या टाइप करना है, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर टाइप किया, उसके बाद राइट एरो, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट क्या टाइप करोगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद प्रेस एंटर साइड में यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है सब्जेक्ट वन, क्या टाइप करना है, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू क्या टाइप करना है, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, उसके बाद टोटल क्या टाइप करोगे, टोटल, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया, कंट्रोल जेड करो अगर आपका ऐसा कोई गलत होता है तो, कंट्रोल जेड इज बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक, यहाँ पे टाइप करना है आपको टोटल, क्या टाइप करना है, टोटल, यहाँ पे साइड में मिनिमम काम करो, मैक्सिमम टाइप करो, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद काउंट क्या टाइप करोगे, काउंट, उसके बाद एवरेज, एवरेज के बाद आप यहाँ पे परसेंटेज क्या टाइप करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके साइन देना है आपको परसेंटेज का, आ जाएगा, सिंपल। एक्सेल में ज़्यादातर एरो का इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेफ्ट एरो, ये डाउन एरो, टॉप एरो, ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो, तो आपको एक्सेल में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है सीरियल नंबर, तो वन टाइप करो, उसके बाद एंटर करना, उसके बाद टू, फिर एंटर, फिर थ्री, फिर एंटर, फोर एंटर, फाइव एंटर, सिक्स एंटर, ऐसे आप कब तक टाइप करोगे, बिकॉज अगर मेरा डेटा ज़्यादा है, लाइक 1000 डेटा है, कितना 1000 या 5000 डेटा है, तो आप टाइप करते बैठोगे क्या, नहीं ना, बहुत टाइम जाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना वन एंड टू को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, कैंसिल करो, यहाँ पे आपको जस्ट वन मिनट, यहाँ पे आपको वन एंड टू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे एक एरो दिखाई दे, एरो, उसको जो प्लस है ना, प्लस, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक करो, क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको ड्रैग करना है, जितना चाहे उतना आप ड्रैग कर सकते हो, जितना चाहे, ये देखो दिखाई दिया, जितना चाहे उतना आप ड्रैग कर सकते हो, समझे मैंने क्या बोला, सिंपल, जितना चाहे उतना, अभी 30 है ना, तो आप 400, 500, 1000, जितना चाहे उतना ड्रैग करो, सिंपल, कंट्रोल जेड, समझे आपको कैसे करना है। या फिर आप एक काम करो, आपको क्या करना है, उसको डिलीट करो, डिलीट किया, अब यहाँ पे सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक करने के बाद उसको ना सीधा ड्रैग करो, क्या करोगे, ड्रैग, ड्रैग करने के बाद ये देखो, अभी आप बोलोगे अरे सर वन वन है पूरा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना एक छोटा सा प्लस है, दिखाई दिया, ऑटो फिल ऑप्शन, उसका नाम क्या है, ऑटो फिल ऑप्शन, यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है, और फिल सीरीज कहाँ पे क्लिक करना है, फिल सीरीज, ये देखो, समझा, ऐसा। पर ये तो मैंने आपको बताया लॉन्ग कट, इसका शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट के लिए मुझे क्या करना है, मैं पहले कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड मतलब वन स्टेप बैक, याद रखना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वन को सिलेक्ट किया, शिफ्ट बटन प्रेस करके डाउन एरो, शिफ्ट बटन प्रेस करके डाउन एरो, जितना चाहे उतना आप सिलेक्ट करो, और एक शॉर्टकट है अल्ट एच एफ आई एस एंटर, क्या शॉर्टकट है, अल्ट एच एफ आई एस एंटर। अब बोलोगे सर कितना बड़ा शॉर्टकट है, पर ये ऑफिस के लिए ज़्यादातर यूज होता है ये शॉर्टकट, ओके। सो नेक्स्ट, फिलहाल तो मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, बाकी सब मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ना, बी और सी, इन दोनों के बीच में
दो कॉलम है ना प्योर सी, तो जो नाम है ना आपका नेम ऑफ स्टूडेंट वो अंदर चला गया, इसको मुझे प्रॉपर एक कॉलम में एडजस्ट करना है। तो बी के बाजू में एक लाइन दिखाई दिया, उसको डबल क्लिक, क्या करोगे? डबल क्लिक, एकदम प्रॉपरली आ जाएगा। समझे मैंने क्या बोला? ओके, या फिर एक काम करो आप, ये जो बी है ना बी, बी के साइड में, राइट साइड में डबल क्लिक करो और थोड़ा सा ऐसे आगे आ जाओ, समझा? ऐसे आगे आ जाओ तब भी चलेगा, आप माउस से यूज़ करो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। माउस से डबल क्लिक करो या फिर सिंगल क्लिक करके साइड में लो, सिंपल। या फिर मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन है, वो है शॉर्टकट। आपका जो माउस है ना, ये बॉक्स, जो बॉक्स है ना बॉक्स, ऊपर लेके जाओ यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं, एक शॉर्टकट है अल्ट एच ओ आई। क्या शॉर्टकट है? अल्ट एच ओ आई, उसको बोलते हैं ऑटो फिट कॉलम। क्या बोलोगे? ऑटो फिट कॉलम, बहुत ही सिंपल है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है और आपको नाम टाइप करना है। क्या टाइप करना है? नाम। अब नाम क्या टाइप करना है? कोई आपके फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, या आपके कोई स्टूडेंट है उनके नाम टाइप करो। जैसे मेरे कोई स्टूडेंट है, मैं उनके नाम टाइप करता हूँ। ओके, किसी भी टाइप करो तो भी चलेगा। जैसे कि सबसे पहले पूजा, ओके, उसके बाद समीर, संजना, सारिका एंड सम्राट। ओके, यहाँ पे साइड में क्लिक करो। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे इनको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करो माउस से अच्छे से, जस्ट वन मिनट। सिलेक्ट किया, नीचे भी सिलेक्ट करो। अभी आपको पता है मैंने सिलेक्ट क्यों किया? अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप करूँगा, जैसे कि मार्क्स, ये देखो मैं टाइप किया, और एंटर बटन प्रेस करना कंपलसरी। ये देखो मैंने मार्क्स टाइप किया, प्रेस एंटर बटन। आपको कुछ नहीं करना, बस मार्क्स टाइप करो और एंटर बटन प्रेस करना। बट देखो ना, गलती से मेरा सिलेक्शन चला गया, राइट ना? बट अभी मैं ऐसे टाइप करूँगा मार्क्स, ये देखो एंटर करूँगा, तो क्या होगा? विदाउट सिलेक्शन आपका जो मार्क्स है या नंबर है वो पूरा नीचे जा रहा है। बट मुझे क्या करना पता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपरली सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किया, अब ध्यान से देखना। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नंबर टाइप किया है, देखो ना कर्सर ना कर्सर आपका जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम में जा रहा है। ये देखो अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, ये देखो जा रहा है कि नहीं, देखो ना ऑटोमेटिकली जा रहा है। देखो दिखाई दिया, ये जो बॉक्स है वो नीचे नहीं आ रहा, क्यों? बिकॉज मैंने सिलेक्शन किया है। क्या किया है? प्रॉपरली सिलेक्शन। अभी आप साइड में क्लिक करो तो भी चलेगा। अब मुझे निकालना है टोटल, तो एक्सेल में टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको इज इक्वल टू एस यू एम, क्या प्रेस करना है? इज इक्वल टू एस यू एम, और शिफ्ट बटन से ब्रैकेट ओपन, और आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? तीनों को क्या करना है? सिलेक्ट करना है, और ब्रैकेट क्लोज। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, सम मतलब टोटल, सी टू इट इज अ सेल नंबर, ए टू इट इज अ सेल नंबर, और बीच का जो कॉलन है हम कॉलन बोलते हैं, मतलब सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, ये तीनों एक साथ आया है, तो प्रेस एंटर। ये देखो आए कि नहीं, समझे मैंने क्या बोला? उसको बोलते हैं टोटल। अब ये तो हुआ फॉर्मूला, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अब मुझे डायरेक्ट निकालना, डायरेक्ट मतलब क्या, इन तीनों को सिलेक्ट करो। क्या करोगे? सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होम में जाओ, दिखाई दे होम। होम में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सम, कौन सा ऑप्शन है? ऑटो सम, दिखा दे आप लोगों को ऑटो सम, देखो दिखाई दे ऑटो सम। तो इसके एरो पे जाना है और यहाँ पे सम पे क्लिक करना है। अगर आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, जो चाहिए वो, बट फिलहाल मुझे सम चाहिए। क्या चाहिए? सम, तो सम पे क्लिक करो, सिंपल। आई कैन ऐसे, समझे मैंने क्या बोला? सिलेक्ट करो, डिलीट करो। अब मुझे क्या करना बताए, शॉर्टकट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज ये तो सब मैंने माउस से निकाला है ना, बट मुझे कैसे करना है? कीबोर्ड से निकालना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट यूज़ करना है, तो अल्ट बटन प्रेस करो और इज इक्वल टू, क्या प्रेस करोगे? अल्ट प्लस इज इक्वल टू एंड प्रेस एंटर, सिंपल। समझे मैंने क्या बोला? अब यहाँ पे आपको सिंगल क्लिक करना है,
सिंगल क्लिक करने के बाद शिफ्ट डाउन एरो, क्या करोगे डाउन एरो, और कंट्रोल डी, क्या प्रेस करोगे कंट्रोल डी, मतलब डुप्लीकेट, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला शो कर देता है, कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट, समझा मैंने क्या बोला ऐसा। बट कंट्रोल डी भी कर सकते हो, या फिर कॉर्नर पे ना, ये देखो दिखाई दिया यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करो एंड ड्रैग करो तो भी चलेगा, माउस से क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग करो, या फिर यहाँ पे दिखाई दे छोटा सा प्लस है, प्लस आने के बाद डबल क्लिक, क्या करोगे डबल क्लिक, सिंपल, समझा मैंने क्या बोला ऐसे। तो ये आपको करना है एक्सेल में। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट 1 2 3 सिलेक्ट करो, ऐसे सिलेक्ट किया, और होम में जाना है, होम में कहाँ जाना है ऑटो सम में जाना है, ऑटो सम में जाओ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इट इज़ अ मैक्सिमम, मैक्सिमम ये देखो क्लिक करो आई एम मैक्सिमम। वैसे आपको क्या करना है मिनिमम निकालना है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये देखो थ्री सब्जेक्ट सिलेक्ट का, हाँ ये देखो क्या करोगे मिनिमम निकालो। तो ऐसे आपको थोड़ा मैं ज़रा पे माइनस करता हूँ, माइनस दिखा दिया, या फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया आपको अच्छे से याद होगा अल्ट डब्ल्यू क्यू, और आपको क्या करना है यहाँ पे 100 करना है, ये देखो 100 करो तो भी चलेगा। बट आप बोलोगे सर कितना छोटा हो गया, तो आप क्या करो अल्ट डब्ल्यू क्यू, और यहाँ पे आप खुद का कस्टम चॉइस करो, कस्टम मतलब खुद की साइज, यहाँ पे तो कंप्यूटर की साइज़ है ना 200 100, तो अब 150 कितना लोगे 150, और यहाँ पे ओके आया कि नहीं। अब आपको काउंट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है काउंट, तो काउंट के लिए मैंने क्या बोला तीन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको होम में जाना है, कहाँ जाना है होम में, याद रखना होम में कहाँ जाना है ऑटो सम में, और यहाँ पे काउंट यूज़ करना है। मैक्सिमम मतलब आपको ऑलमोस्ट पता होगा कि तीन सब्जेक्ट में से, ये जो तीन सब्जेक्ट है ना, तीन सब्जेक्ट में से हाईएस्ट मार्क्स को मैक्सिमम बोलते हैं, तीन सब्जेक्ट में से लोएस्ट मार्क्स कम से कम मिनिमम बोलते हैं। काउंट मतलब क्या, आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं वो आपको शो करते हैं, तीन एवरेज और परसेंटेज में आपको अभी बता रहा हूँ। अब देखो एवरेज और परसेंटेज क्या है, ओके एवरेज के लिए क्या करोगे, एवरेज के लिए, एवरेज के लिए, एवरेज के लिए आपको करना है तीनों को सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और आपको जाना है यहाँ पे ऑटो फिल में एवरेज करना है, क्या करना है आई कैन सिंपल। बट मुझे ना मैक्सिमम मिनिमम काउंट एवरेज शॉर्टकट यूज करके निकालना है, तो कैसे निकालोगे देखो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है पहले इसको ज़रा डिलीट करो, ओके देखो शॉर्टकट यूज करना है ना, तो सब्जेक्ट वन पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट एरो से पहले सिलेक्ट करो, शिफ्ट बटन प्रेस करके राइट एरो सिलेक्ट किया तीनों को, और आपको एक शॉर्टकट यूज करना है मैक्सिमम निकालना है, तो शिफ्ट राइट एरो करो, शिफ्ट राइट एरो, और शॉर्टकट है अल्ट एच यू एम, क्या शॉर्टकट है अल्ट एच यू एम, इट इज अ मैक्सिमम। अब फिर से क्या करना बताएं, फिर से तीनों को सिलेक्ट करो, मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए अल्ट एच यू आई, अल्ट एच यू आई, फिर से क्या करोगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था शिफ्ट राइट एरो अल्ट एच यू ए अल्ट एच यू सी, इट इज अ काउंट, काउंट का शॉर्टकट क्या है अल्ट एच यू सी। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे सिलेक्ट करो अल्ट एच यू ए, इट इज अ एवरेज, ध्यान रखो अच्छे से अल्ट एच यू ए, इट इज अ एवरेज, एवरेज दिखा दे आपको एक बटन प्रेस करो। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको इज इक्वल टू क्या प्रेस करना है, इज इक्वल टू सिलेक्ट, क्या करोगे सिलेक्ट द टोटल, क्या करना है आपको सिलेक्ट द टोटल डिवाइडेड थ्री, अभी F2 क्या है टोटल, उसमें डिवाइड हम क्या करेंगे थ्री, थ्री मतलब क्या सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है एंटर बटन प्रेस करना है, ये देखो आई कि नहीं पसंद है,
समझे मैंने क्या बोला? सिंपल, आप कंफ्यूज मत हो ना, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या बोला ध्यान से देख, एफ टू इट इज अ एफ इट इज अ कॉलम, टू इट इज अ रो, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है वो सेल नंबर है एफ टू, और डिवाइडेड उसमें मैंने क्या किया है थ्री, थ्री क्या है सब्जेक्ट है ना मेरे तीन, इसलिए मैंने क्या किया है थ्री डाला, तो इससे आपका परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल, तो अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्या करना है सिलेक्ट, ये देखो सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करना, देखो सिंगल सिंगल अगर आपको निकालना है ना, ये देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो तो भी चलेगा, और मुझे क्या करना बताएं, मुझे सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, देखो शिफ्ट बटन प्रेस करके राइट एरो एंड डाउन एरो करो, ये देखो पहले राइट एरो पूरा फिर डाउन एरो, फिर कंट्रोल डी क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल डी। अब यहाँ पे ना एवरेज और परसेंटेज को आपको सिलेक्ट करना है, क्या करना है सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद आपको इंक्रीज डिसिमल, होम में जाओ यहाँ पे देखो दिखाई दे आपको, यहाँ पे क्या बोला है डिक्रीज डिसिमल, मतलब कम होगा, देखो क्लिक करते जाओगे ना बट कम हो रहा है नहीं, तो प्रॉपरली ज़रा सिलेक्ट करो अच्छे से, सिलेक्ट किया डिक्रीज करो नहीं हो रहा, तो पहले थोड़ा सा बढ़ाओ ज़रा, हाँ फिर कम करो, ये देखो दिखाई दे ऐसा क्या कि मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे पहले थोड़ा सा बढ़ाया, देखो इट इज़ अ डिक्रीज, समझा ये इंक्रीज होगा ये क्या होगा डिक्रीज, सिंपल समझा मैंने क्या बोला। अब आपको क्या करना है, सिंगल क्लिक करो जो आपने लिखा है, जो आपने टाइप किया डेटा, कंट्रोल ए क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल ए, आपको यहाँ पे जाना है एरो पे, दिखा दे एरो पे, बटन बॉर्डर होम में जाओ, बटन बॉर्डर पे जाना है, यहाँ पे सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक करने के बाद आपको ऑल बॉर्डर कहाँ जाना है, ऑल बॉर्डर दिखा दे आप लोगों को, ऑल बॉर्डर आया ऑल बॉर्डर, समझा ना कंट्रोल जेड कर, बट ये मैंने माउस से किया, मुझे कीबोर्ड से करना है, तो शॉर्टकट क्या रहेगा, अल्ट एच बी ए, अल्ट एच बी ए इट इज़ अ ऑल बॉर्डर। अभी आपको क्या करना है, बॉर्डर समझा, अब मुझे ना ये जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर से लेके शिफ्ट राइट एरो करो परसेंटेज तक, देखो ना कितना स्पेस है सीरियल नंबर के बाजू में, सब्जेक्ट के बाजू में स्पेस है, वो मुझे प्रॉपर एडजस्ट करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, अल्ट एच ओ आई दिखा दिया, क्या शॉर्टकट है अल्ट एच ओ आई। अब यहाँ पे आप प्लस कर सकते हो, प्लस करो यहाँ पे भी जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, अल्ट डब्ल्यू क्यू। अब उसके बाद जो सीरियल नंबर है ना उसके बाजू में वन दिया है, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करो, वन पे सिंगल क्लिक करना है, राइट क्लिक करो यहाँ पे इंसर्ट, क्या करोगे ये देखो इंसर्ट, इंसर्ट से क्या होगा एक रो आ जाएगा, क्या आ जाएगा रो, कैसे राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है, कंट्रोल जेड करो, बट मुझे शॉर्टकट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है शॉर्टकट, तो उसके लिए क्या करोगे सिंगल क्लिक करो सीरियल नंबर पे, और क्या करोगे अल्ट एच आई आर, क्या शॉर्टकट है अल्ट एच आई आर, मैं आपको ज़रा प्रॉपरली बताता हूँ, ये अल्ट प्रेस करो एच प्रेस करो अल्ट एच आई आर, शिफ्ट राइट एरो क्या प्रेस करना है शिफ्ट राइट एरो। अब मुझे इसको मर्ज करना है, मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मर्ज दिखाई दे आपको, मर्ज मर्जिन सेंटर होम में सिंगल हो गया मर्ज, पर मुझे शॉर्टकट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है शॉर्टकट, तो उसके लिए अल्ट एच एम सी, अल्ट एच एम सी इट इज़ अ मर्जिन सेंटर, समझा आपको। अब यहाँ पे टाइप करना है इट इज़ अ स्टूडेंट मार्कशीट, क्या टाइप करना है स्टूडेंट मार्कशीट, सिंगल क्लिक करो, सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे कलर में जाना है, आपको जो भी इसमें से कलर पसंद आया हो वो आप दे दे सकते हो, ग्रीन पसंद है ग्रीन दे दो तो भी चलेगा, यहाँ पे टेक्स्ट में जाओ, आपको वाइट पसंद है वाइट दे दो, यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर भी दे सकते हो, ओके या शॉर्टकट अल्ट एच बी ए नो प्रॉब्लम ऐसा। अब इसमें क्या करना है, आपको इस फाइल को सेव करना है, तो फाइल को सेव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में, कहाँ जाना पड़ेगा फाइल में जाओ, यहाँ पे सेव पे क्लिक करो, दिखा दिया, और यहाँ पे आप फाइल को सेव भी कर सकते हो डेस्कटॉप पे क्लिक करके, यहाँ पे नाम भी दे सकते हो, और मुझे शॉर्टकट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है शॉर्टकट, तो कंट्रोल एस क्या प्रेस करोगे
कंट्रोल एस। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल नेम के बाजू में दिखाई दिया आपको नाम टाइप करना है, और उससे पहले आपको डेस्कटॉप दिखाई दिया, डेस्कटॉप ये दिखाई दिया, इस पर क्लिक करो, आया, इस पर सिंगल क्लिक करना है। बट कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो डेस्कटॉप है ना यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे एरो है दिखाई दिया एरो, इस एरो पे जाओ, यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं डेस्कटॉप होगा, मेरे टॉप में है तो आप ढूंढो आपका कहाँ पे, सिंगल क्लिक। अब यहाँ पे एक्सेल का नाम दो, जैसे मैंने नाम दिया स्टूडेंट मार्कशीट, ओके, यहाँ पे सेव, क्या करोगे सेव, समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे रिजल्ट और ग्रेड और कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे करना, समझा आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक, इट इज अ स्टूडेंट मार्कशीट। आज का टॉपिक हम ये समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ऐसे ही मैं आपको आगे आगे कुछ न्यू टॉपिक सिखा दे दूँगा, थैंक यू। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजल्ट एंड ग्रेड, तो चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था वो था स्टूडेंट मार्कशीट, और आज हम सीखने वाले हैं रिजल्ट एंड ग्रेड, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। तो करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे राइट एरो बटन आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है रिजल्ट, क्या टाइप करना है रिजल्ट, उसके बाजू में आपको ग्रेड, क्या टाइप करना है ग्रेड, यहाँ पे सिंगल क्लिक। अब रिजल्ट आपको पता है पास फेल, अगर किसी भी स्टूडेंट को कम मार्क्स मिलेंगे 3 सब्जेक्ट में से तो वो फेल रहेगा, अगर ज़्यादा मिलेंगे तो पास रहेगा, और उसका एक वैल्यू है वो मैं आपको बताता हूँ, 35 लेस देन 35, मतलब 35 के नीचे अगर किसी को मार्क्स मिलते कम, 35 से कम मार्क्स मिलते तो वो फेल, मैं मेंशन कर देता हूँ फेल, और यहाँ पे पास कैसे होगा, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, 35 से अगर ज़्यादा है तो वो पास, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूले क्या है रिजल्ट का, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और, क्या टाइप करोगे और, अगेन ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट सब्जेक्ट 1 शिफ्ट लेस देन 35 कॉमा सब्जेक्ट 2 सिलेक्ट, सब्जेक्ट 2 मतलब सब्जेक्ट 2 का मार्क्स, सब्जेक्ट 1 का मार्क्स, ओके, मार्क्स टाइप करने के बाद, सॉरी मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट लेस देन 35 कॉमा सब्जेक्ट 3 शिफ्ट लेस देन 35 ब्रैकेट क्लोज कॉमा शिफ्ट डन कॉमा फेल शिफ्ट डन कॉमा सिंगल कॉमा शिफ्ट डन कॉमा पास, क्या टाइप करोगे पास, शिफ्ट डन कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर, आया, यहाँ पे ड्रैग करो, ड्रैग मैंने आपको लास्ट में बताया था, ड्रैग या फिर सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी सेलेक्ट या डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद इसका एक और एक शॉर्टकट है, आप F2 करोगे ना F2 तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, देखो F2 करो, F2 अगर नहीं हुआ तो FN F2 क्या प्रेस करोगे FN F2, लैपटॉप अगर है तो FN F2 और आपका कीबोर्ड है तो ओनली F2 कर सकते हो। यहाँ पे इज इक्वल टू इफ भी और क्या है, एक से अगर ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो आपको और यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है और, C3 मतलब क्या सब्जेक्ट 1, D3 सब्जेक्ट 2, E3 सब्जेक्ट 3, और फेल क्यों दिया है, लेस देन बोले ना, 35 के नीचे रहेगा तो फेल और 35 से ज़्यादा रहेगा तो पास, प्रेजेंट सिंपल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अ ग्रेड, तो ग्रेड लिखो,
ग्रेड लिखने के बाद प्रेस एंटर। ग्रेड के लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपको इज इक्वल टू इफ टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द रिजल्ट, किसको सिलेक्ट करना है, रिजल्ट, रिजल्ट मतलब पास एंड फेल। तो पास को सिलेक्ट करने के बाद एल थ्री नाम आया, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे उसका सेल नंबर है एल थ्री, एल कॉलम, थ्री मतलब दो, तो इज इक्वल टू शिफ्ट डाउन कॉमा नो ग्रेड, क्या लिखोगे, नो ग्रेड, शिफ्ट डाउन कॉमा सिंगल कॉमा शिफ्ट डाउन कॉमा, यहाँ पे आपको लिखना है फेल, क्या लिखना है, फेल। अब ये मैंने फेल क्यों लिखा, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे राइट एरो करो, देखो जो भी स्टूडेंट है, वो इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसको नो ग्रेड मिलेगा, अगर स्टूडेंट पास होता है तो उसको ग्रेड मिलेगा, सिंपल। तो आपको क्या करना है, अल्ट एंटर, क्या प्रेस करना है, अल्ट एंटर। यहाँ पे अल्ट एंटर का मतलब आपका जो कर्सर है वो नीचे आएगा, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपको इफ टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट ग्रेटर देन 90, क्या टाइप करना है, 90, कॉमा शिफ्ट डाउन कॉमा ए प्लस, क्या टाइप करना है, ए प्लस, शिफ्ट डाउन कॉमा सिंगल कॉमा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, इफ ब्रैकेट ओपन के थ्री, के थ्री मतलब जो मैंने आपको बताया के कॉलम थ्री रो, ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 90 बोला है, तो अगर 90 से कोई भी मार्क्स ज़्यादा है, अभी ये के थ्री क्या है, के थ्री में दिखाता हूँ, के थ्री इट इज़ अ परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज कितना है 74, 90 से अगर ज़्यादा परसेंटेज है, ज़्यादा परसेंटेज है किसी भी स्टूडेंट को, उसको ए प्लस प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा, ए प्लस प्लस। अभी जो के थ्री है वो कौन है, एक स्टूडेंट है, उसका परसेंटेज कितना है, यहाँ पे देखो 74, तो 90 से ये ज़्यादा है, कम है, कम है ना, तो उसको ए प्लस प्लस नहीं मिलेगा। अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को 90 से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो ही उसको ए प्लस प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे अल्ट एंटर करो, इफ करो, ब्रैकेट ओपन, ऐसे में आपको कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, तो अगेन सिलेक्ट किसको करना है, परसेंटेज, तो ग्रेटर देन, अगर किसी भी स्टूडेंट को 75 से ज़्यादा परसेंटेज मिलता है, 75 से ज़्यादा परसेंटेज मिलता है तो उसको ओनली ए प्लस मिलेगा, कितना मिलेगा, ए प्लस। अब यहाँ पे बहुत सारे परसेंटेज है, आप इनमें से देख सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को 75 से ज़्यादा मिला तो ए प्लस। अल्ट एंटर, अल्ट एंटर मतलब कर्सर नहीं चाहिए, ओके। तो इफ प्रेस करना, इफ टाइप करना, ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करोगे, परसेंटेज, शिफ्ट ग्रेटर देन 65 से ज़्यादा, अगर किसी को 65 से ज़्यादा अगर किसी को परसेंटेज मिलता है तो आपको उसको ए प्लस, उसको आपको ए देना है, क्या देना है, ए, सिंगल कॉमा, अगेन अल्ट एंटर, इफ टाइप करो, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है परसेंटेज को, किसको, परसेंटेज, तो शिफ्ट ग्रेटर देन, शिफ्ट ग्रेटर देन, वो क्या प्रेस करना है, 45, अगर 45 से ज़्यादा किसी को परसेंटेज मिलते हैं, कॉमा शिफ्ट डाउन कॉमा, अगर 45 से ज़्यादा किसी को परसेंटेज मिलते हैं तो उसको बी ए, क्या ग्रेड मिलेगा, बी, शिफ्ट डाउन कॉमा कंप्लीट, सिंगल कॉमा, फिर से अल्ट एंटर करो, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर सिलेक्ट द परसेंटेज, ग्रेटर देन 35 कॉमा शिफ्ट डाउन कॉमा सिंगल कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन के थ्री, के थ्री मतलब परसेंटेज, ग्रेटर देन 35 कॉमा शिफ्ट डाउन कॉमा, शिफ्ट डबल इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे सी, क्या प्रेस करोगे, सी, डाउन कॉमा कंप्लीट एंड ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब यहाँ पे यस ऑप्शन है तो यस करो, आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, डबल क्लिक से ऑटोमेटिक आएगा या फिर
क्लिक एंड ड्रैग करो तो भी चलेगा, या फिर एक शॉर्टकट है सेलेक्ट करके कंट्रोल डी। समझा आपको मैंने क्या बताया? ऐसे यहाँ पे डबल क्लिक करो, एक बार मैं आपको प्रॉपरली क्लियरली समझाता हूँ कैसे। ये देखो इज इक्वल टू इफ L3 मतलब रिजल्ट, जो पास फेल है ना उसको सिलेक्ट करना है, जो फर्स्ट राउंड है। नो ग्रेड फेल, कोई भी स्टूडेंट को अगर फेल, कोई भी स्टूडेंट अगर फेल हुआ तो उसको नो ग्रेड आएगा। अब यहाँ पे देखो K3 मतलब परसेंटेज, कोई भी स्टूडेंट को 90 से ज़्यादा अगर परसेंटेज आता है तो A++ मिलेगा, 75 से ज़्यादा आएगा तो A+ मिलेगा, 65 से ज़्यादा है तो A मिलेगा, 45 से ज़्यादा है तो B मिलेगा, और 35 से ज़्यादा है तो C मिलेगा। अगर उसकी भी अगर नीचे आता है मार्क्स तो सीधा फेल हो जाएगा, उसको नो ग्रेड, क्या मेंशन करेंगे? नो ग्रेड। समझा? प्रेस एंटर। अब यहाँ से थोड़ा मैं प्रॉपर करता हूँ, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करो, यहाँ पे एक बार मर्ज पे क्लिक करो और अगेन एक बार करो मर्ज, तो प्रॉपरली हो जाएगा। ओके, थोड़ा मार्क साइज बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बोल्ड बिल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो। पूरा सिलेक्ट करो, यहाँ से ऑल बॉर्डर, क्या करोगे? ऑल बॉर्डर। लास्ट टाइम मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था Alt-HBA, Alt-HBA। ओके, इसको सेव करना है तो फाइल में मैंने आपको बताया था, उसको आप सेव कर सकते हो, सेव या सेव, नो प्रॉब्लम, सिंपल सेव करो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तीन सब्जेक्ट है, तीन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम के अंदर। होम में कहाँ जाना है? कंडीशन में जाना है। कंडीशन क्या देना है? तीन सब्जेक्ट है, अलग अलग मार्क्स है, इनमें से फेल कौन है, पास कौन है, ओके, इक्वल कौन है, ये मुझे जानना है। अब यहाँ पे कैसे मालूम नहीं पड़ता, दिखाई तो दे रहे हैं बट हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो मुझे हाईलाइट करना है। तो आपको होम में जाना है, कंडीशन में जाना है, हाईलाइट सेल में जाना है। कहाँ जाना है? हाईलाइट सेल, यू गॉट इट, हाईलाइट सेल। फिर तो आपको यहाँ पे हाईलाइट सेल पे क्लिक करना है और लेजेंड पे क्लिक करना है। अभी लेजेंड आपको पता है कम से कम, तो यहाँ पे 35 क्या टाइप करोगे? 35 के नीचे, लेजेंड मतलब 35 के नीचे अगर किसी को भी मार्क्स मिलते हैं उसको रेड कलर, कौन सा आएगा? ये देखो ग्रीन देना है, ग्रीन दे दो, रेड देना है, रेड दे दो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या करोगे? ओके करो, ये देखो आए कि नहीं। फिर अगेन सिलेक्ट करना, फिर होम में जाना, होम के बाद कहाँ जाओगे? कंडीशन, कंडीशन के बाद हाईलाइट सेल, फिर ग्रेटर देन, कहाँ जाओगे? ग्रेटर देन, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ग्रेटर देन। फिर 35 टाइप करो, 35 टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन देना है, क्या देना है? ग्रीन। अभी ग्रीन क्यों? 35 से जो भी स्टूडेंट को 35 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, जो भी स्टूडेंट को, उनको ग्रीन मिलेगा, और 35 के नीचे रहेगा तो रेड कलर। ओके, ये देखो आए कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा ना, जैसे मैंने 20 किया, ये देखो ऑटोमेटिकली रेड कलर में आया, ये देखो 12 करूँगा ऑटोमेटिकली रेड कलर में आएगा। और किसी को पास करना है तो, जैसे यहाँ पे मैंने 50 किया, ऑटोमेटिकली ग्रीन में आएगा। क्यों? ऐसा मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया है, यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग, सिंपल। समझा आपको जो मैंने आपको बताया है? इसका एक दूसरा भी अलग तरीका है, आप बस सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है? कंडीशन में जाना है, कंडीशन के बाद कलर में जाना है। देखो यहाँ पे अलग अलग कलर से दिखाई दिया, ऐसे सिंपल, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो देखो ब्लू में डार्क दिखाई दे रहे हैं, जो कम है वो रेड में दिखाई दे रहे हैं, और जो मिडल है उनका कलर थोड़ा लाइट है। ओके, आइकॉन में जाओ, ये देखो आइकॉन दिखाई दिया, ये देखो जो पास है उनको ग्रीन, जो फेल है उनको रेड, और जो मिडल है उनको येल्लो। यहाँ पे देखो रेंज, जो हमारा मोबाइल का नेटवर्क आप ढूंढते रहते हो,
तो मोबाइल का नेटवर्क भी यहाँ पे उन्होंने शो किया है कि सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स से उसका नेटवर्क अच्छा रहेगा। मतलब अभी देखो, अभी इसमें कैसे है, अगर आपको 99 मिलता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो नेटवर्क सिंबल है वो क्या कहता है, आपके मार्क्स ज़्यादा हैं। जिसका नेटवर्क कम है, अभी आप ही देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जस्ट लाइक देखो 99 को पूरा नेटवर्क आया है, 23 को एक सिंगल आया, ओनली फॉर सिंगल। यहाँ पे 2 50 मिले ना मार्क्स, तो 2 50 को भी 2 आया, 18 को अच्छा आया, 56 को भी 2 आया, 77 को 3 आया, राइट। तो ऐसे हम कर सकते हैं, समझा, ऐसे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन में जाओ, यहाँ पे क्लियर में क्लियर करो, चला जाएगा पूरा, अगर आपको पूरा रिमूव करना है सिंपल। और वापस लाना है तो कंट्रोल जेड करो, क्या करोगे, कंट्रोल जेड, समझा। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर जो मैंने फाइल सेव किया है उसको दोबारा सेव करना है तो फाइल में सेव करो या सेव एज करो, जहाँ आपको सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप में सेव करता हूँ, सिंपल यहाँ पे नाम दे दो जो भी है एंड सेव, समझा। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विक्रांत टेक चैनल। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ फॉर डिस्काउंट शीट। और आज का जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो है डिस्काउंट शीट। डिस्काउंट शीट में क्या क्या होने वाला है वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना मत भूलिए जी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लेक्चर नाउ। मेरा नाम है विक्रांत कदम और मेरा जो चैनल है वो है विक्रांत टेक चैनल। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको विंडो आर प्रेस करना, क्या प्रेस करना है, विंडो आर। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल क्या टाइप करना है, एक्सेल, ये तो सबको ही पता होगा। और प्रेस एंटर बटन, एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज करना है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। इसका शॉर्टकट है अल्ट स्पेस एक्स, आई होप आपको पता होगा जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। नेक्स्ट चलो, अब यहाँ पे थोड़ा प्लस करो, जूम करो, जो मैंने आपको बताया था। अगर आप माउस से करते हो तो यहाँ पे प्लस करना ज़रूरी है, ओके। अगर आप कीबोर्ड से करते हो तो लास्ट टाइम मैंने बताया था अल्ट डब्ल्यू क्यू। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, एंड बटन प्रेस करना है, अल्ट डब्ल्यू क्यू, ऊपर जाओ, 200। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सीरियल नंबर, क्या टाइप करना है, सीरियल नंबर। उसके बाद नेम ऑफ कस्टमर, क्या टाइप करना है, नेम ऑफ कस्टमर। प्रेस एंटर बटन, ये जो बॉक्स है ना यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे अल्ट एच ओ आई, क्या प्रेस करोगे, अल्ट एच ओ आई। तो अल्ट एच ओ आई से आपका जो कॉलम है वो प्रॉपर ऑटो फिट, क्या होगा, ऑटो फिट। यहाँ पे आपको टाइप करना है कस्टमर, क्या टाइप करना है, अल्ट एच ओ आई, क्या टाइप करोगे, अल्ट एच ओ आई। कस्टमर के बाद आपको टाइप करना है प्रोडक्ट, क्या टाइप करना है, प्रोडक्ट। उसके बाद क्वांटिटी, क्या टाइप करोगे, क्वांटिटी के बाद आपको यहाँ पे रेट, क्या टाइप करना है, रेट के बाद टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट के बाद आपको टाइप करना है डिस्काउंट अमाउंट, क्या टाइप करना है, डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ पे अल्ट एच ओ आई करो, अल्ट एच ओ आई, यहाँ पे भी आपको अल्ट एच ओ आई करना है, ओके। यहाँ पे नेट, क्या टाइप करोगे, नेट अमाउंट, समझा। यहाँ पे ना कस्टमर के जगह आपको, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ, एडिट सेल FN F2, क्या प्रेस करना है आपको, यहाँ पे आपको यहाँ पे कर्सर रखना है और कीबोर्ड का FN बटन प्रेस करना है और F2 करना है अगर आपका लैपटॉप है तो। अगर आपका कीबोर्ड है तो आपको क्या करना है, ओनली F2 बटन प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, ओनली F2 बटन, सिंपल।
अब यहाँ पे कस्टमर टाइप क्या लिखोगे, कस्टमर टाइप, तो थोड़ा बहुत गलती होता है तो आपको प्रॉपर एग्जिस्ट करना है। यहाँ पे सिंगल क्लिक करो और अल्ट एच ओ आई, क्या प्रेस करना है, अल्ट एच ओ आई। कस्टमर टाइप के बीच में स्पेस नहीं है तो यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हो और स्पेस डबल क्लिक। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे डबल क्लिक करो तो भी चलेगा। नेम ऑफ कस्टमर जो आपके फ्रेंड से या जो कस्टमर है टाइप करो, जिसमें मैं टाइप किया साइली, सोनम, विशु, के बाद जानवी, के बाद भाई। ओके, कस्टमर टाइप। अब कस्टमर टाइप क्या है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल होलसेलर, उसके बाद होलसेलर लिखो, उसका दो दो होलसेलर है, फिर रिटेलर, फिर अगेन रिटेलर, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, कंज्यूम। ओके, फिर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप करना है, प्रोडक्ट मतलब क्या, डीवीडी, वीसीडी, एलसीडी, एलईडी एंड टीवी। उसके बाद क्वांटिटी, यहाँ पे आपको थोड़ा डबल क्लिक करना है अच्छे से। क्वांटिटी क्या रहेगा, क्वांटिटी में आपको लिखना है कि साइली ने डीवीडी कितना लिया, जैसे कि मैंने लिया 50, यहाँ पे लिखा 40, फिर 30, 20 और 10। ओके, आप कितना भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने हिसाब से। रेट, रेट आपको लिखना है, जैसे कि एक डीवीडी 2000 का होता है, वीसीडी 3000 का होता है, एलईडी में भी 15000, और यहाँ पे एलईडी दो दो हो गए तो आपको एलसीडी करना है, यहाँ पे एलसीडी में भी 20000, टीवी इट इज़ 25000। ओके, यहाँ पे हल थोड़ा सा माइनस करो, यहाँ से राइट एरो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट क्या करना है, टोटल अमाउंट तो इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू रेट, क्या करना है, सिलेक्ट क्वांटिटी इनटू रेट पे क्लिक करना है। अगर एक का, अभी देखो यहाँ पे क्या है, रेट है 2000, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 50 क्वांटिटी, तो एक का जो रेट है वो 2000 है, तो 50 क्वांटिटी का कितना हुआ, उसको बोलेंगे टोटल अमाउंट। प्रेस एंटर, समझा ना आपको, इज इक्वल टू क्वांटिटी, क्वांटिटी इट इज़ अ E2 इनटू रेट, रेट इट इज़ अ F2 आया। अब यहाँ पे सिंगल क्लिक करो, यहाँ से डबल क्लिक, क्या करोगे, डबल क्लिक, डबल क्लिक करो, या फिर जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, कंट्रोल डी, क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल डी, समझा। अब यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्काउंट अमाउंट, तो उसके लिए आपको इज इक्वल टू, क्या प्रेस करना है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इफ, क्या टाइप करोगे, इज इक्वल टू इफ, और आपको किसको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट एरो प्रेस करो, इसके लिए सिलेक्ट द होलसेलर, किसको सिलेक्ट करना है, होलसेलर, और आगे इज इक्वल टू शिफ्ट डबल कॉमा, अब यहाँ पे टाइप करो होलसेलर, होलसेलर, तो यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग प्रॉपर करना है, होलसेलर लिखा और शिफ्ट डबल कॉमा सिंगल कॉमा, और कहाँ पे सिलेक्ट करना है, टोटल अमाउंट, और इनटू, अभी आप होलसेलर को कितना डिस्काउंट दे रहे हो, ओके, तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होलसेल है ना, इट इज़ अ 15% डिस्काउंट, कितना, 15% डिस्काउंट दिया, शिफ्ट परसेंटेज कॉमा दो, फिर इफ लिखो, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है होलसेलर को, और उसके बाद करना क्या है, इज इक्वल टू शिफ्ट डाउन कॉमा, अब टाइप करो रिटेलर, क्या टाइप करोगे, रिटेलर, इज इक्वल
टाइप किया, क्या टाइप करना है, रिटेलर, तो शिफ्ट डाउन कॉमा सिंगल कॉमा, अब सिलेक्ट करना है टोटल अमाउंट इनटू इनटू 10%, कितना 10%, शिफ्ट परसेंटेज, अब सिंगल कॉमा दो, अब सिंगल कॉमा के बाद इफ नहीं लिखना, क्या करना है, इफ नहीं लिखना है, बिकॉज अभी तो यहाँ पे 5 है ना, तो कंपनी में आपको बहुत सारा होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट करना है और इनटू करके जो बचे कुचे हैं हमारे कस्टमर्स, तो उनके लिए आपको 5% देना है, कितने देना है 5%, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो, यहाँ पे यस क्या करोगे, यस आएगा नहीं, डबल क्लिक करो, आ गया डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ पे थोड़ा होलसेल का स्पेलिंग प्रॉपर में करता हूँ, स्पेलिंग दोनों का करेक्ट होना ज़रूरी है, यहाँ पे भी कंज्यूमर, ओके, फिर आता है नेट अमाउंट, क्या है नेट अमाउंट, उसके लिए इज इक्वल टू क्या करोगे, इज इक्वल टू नेट अमाउंट मतलब क्या, आपको एक्चुअल में कितना देना है, तो टोटल इनटू डिस्काउंट अमाउंट, समझा, अब डिस्काउंट अमाउंट तो मैंने निकाला, मैं डबल क्लिक करता हूँ प्रॉपर एक बार मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अगर होलसेलर को, अभी सपोज एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, होलसेलर को डिस्काउंट देगा, मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा है, होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा है, होलसेलर को, तो होलसेलर को कितने, उसने मुझे खरीदा है ना सामने वाले से, तो उसको कितना डिस्काउंट मिला है, 15%, कितना, मतलब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 15% डिस्काउंट दिया, फिर होलसेलर ने रिटेलर को 10% डिस्काउंट दिया, क्यों, बिकॉज होलसेलर को 5% फायदा होना चाहिए, फिर रिटेलर ने किसको डिस्काउंट दिया है, कंज्यूमर, कितना 5%, बिकॉज ऑलरेडी रिटेलर को 10% मिला है, तो रिटेलर क्या करेगा, ये जो रिटेलर है ना वो क्या करेगा, कंज्यूमर को, जो हमारा कंज्यूमर है उसको 5% देगा और खुद को 5% देगा, ऐसा, ओके, नेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, अब नेट अमाउंट क्या है, आपको एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10 लाख, यहाँ पे लिखा है 1 लाख, तो 1 लाख में से 15,000 मुझे माइनस करना है, तो सिलेक्ट 10 लाख इनटू डिस्काउंट अमाउंट, बिकॉज मुझे डिस्काउंट मिला है ना, कितना 15,000, एंटर, समझा, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डबल क्लिक, समझा, सिंपल, अभी इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एच पे और कंट्रोल प्लस, क्या करूँगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना है डिस्काउंट इन परसेंटेज, समझा, यहाँ पे एंटर करो, अब यहाँ पे डिस्काउंट इन परसेंटेज मतलब क्या, ये जो आपका क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी के हिसाब से हमको डिस्काउंट निकालना है, अब मैंने किसके हिसाब से निकाला डिस्काउंट, इट इज़ अ, ये देखो जो है ना, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसको हम प्राइस लिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइस लिस्ट, अभी जो मैं निकालने वाला हूँ वो प्राइस लेवल, क्या है, प्राइस लेवल, जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और किसको सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी को, उसके बाद क्लिक करना है क्वांटिटी, उसके बाद ग्रेटर देन, आपको क्या टाइप करना है, 40, अगर 40 से ज़्यादा मैं क्वांटिटी परचेस करता हूँ, ओके, तो मुझे इतने इतने परसेंटेज मिलेगा, तो जैसे मैं सिलेक्ट टोटल अमाउंट इनटू क्या करूँगा, 20% दूंगा, कितना दूंगा, 20%, ओके, फिर कॉमा दो, इफ करो, सिलेक्ट द क्वांटिटी, शिफ्ट ग्रेटर देन, उसके बाद आपको क्या करना है, 15% देना है, कितना देना है,
50% तो अभी नहीं, आपको फिलहाल यहाँ पे टाइप करना है 30 से ज़्यादा अगर आप परचेस करोगे कॉमा सिलेक्ट द टोटल अमाउंट इनटू क्या करोगे 15%। ओके फिर से कॉमा दो, अभी इफ नहीं लिखना, आपको सीधा सिलेक्ट करना है टोटल अमाउंट इनटू जो बचे कुछ हैं हमारे प्रोडक्ट्स एक कस्टमर शिफ्ट परसेंटेज एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। यहाँ पे यस करना, यहाँ पे ड्रैग करो, अगर परसेंटेज का साइन आता है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके एरो में जाओ, यहाँ पे जर्नल क्या करोगे जर्नल सिंपल समझे आपको। इट इज़ अ टू डिस्काउंट, ये जो मैंने डिस्काउंट निकाला वो ओनली फॉर होलसेलर रिटेलर एंड कंज्यूमर, इट इज़ अ प्राइस लिस्ट। ये जो मैंने डिस्काउंट अमाउंट निकाला वो था ओनली फॉर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। ओके सिंपल, ये था हमारा आज का डिस्काउंट शीट। बट इसमें ना जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऊपर जाओ सिलेक्ट फॉर सीरियल नंबर अल्टेच आई आर इंसर्ट रो, अल्टेच आई आर इंसर्ट रो। ओके यहाँ पे अल्ट डब्ल्यू क्यू, अल्ट डब्ल्यू क्यू सिलेक्ट द कस्टम 150 टाइप साइज एंड ओके सी दिस नाउ, शिफ्ट राइट एरो सिलेक्ट अल्ट एच एम सी, अल्ट एच एम सी इट इज अ मर्ज सेल, इंक्रीज साइज एंड टाइप फॉर डिस्काउंट शीट, डिस्काउंट जस्ट वेट डिस्काउंट। ओके सिंगल क्लिक, यहाँ से आपको कलर देना है अच्छा सा, यहाँ से वाइट कलर, कौन सा कलर वाइट। अभी आपको बोल्ड इटैलिक जो भी करना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सिलेक्ट करो। और मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको, आई होप आपको याद रहेगा, अल्ट एच बी ए ऑल बॉर्डर, अल्ट एच बी ए ऑल बॉर्डर, समझे आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक ओनली फॉर डिस्काउंट शीट, आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सैलरी शीट, तो हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट, तो सैलरी शीट कैसे बनाना ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लेक्चर नाउ। सबसे पहले करना क्या है, एक्सेल ओपन करना है, और एक्सेल ओपन करने के लिए आपको विंडो आर क्या प्रेस करना है, विंडो आर, विंडो आर प्रेस करने के बाद एक्सेल आपको टाइप करना है। ये मैं आपको जूम करके बताता हूँ कैसे करना है, और ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे आपको एक्सेल टाइप करना है, क्या टाइप करना है एक्सेल, ई एक्स सी ई एल एक्सेल। और एक्सेल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है, या फिर आप एंटर बटन प्रेस कर सकते हो। उसके बाद इसको ज़रा क्लोज करो। एक्सेल में जूम करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अल्ट डब्ल्यू क्यू, क्या पे प्रेस करना है अल्ट डब्ल्यू क्यू, सिलेक्ट 200 प्रेस एंटर, जूम जूम आउट। तो एक्सेल में सबसे पहले आपको टाइप करना है मॉल, फिर जिस आपको लगे वैसा टाइप कर, तो सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ ईएमपी, ईएमपी फॉर एम्प्लॉय, तो प्रेस एंटर। ओके तो राइट एरो से ऊपर जाना है, यहाँ पे टाइप करना है सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे टाइप करना है पोस्ट, क्या टाइप करना है पोस्ट, फिर राइट एरो, पोस्ट मतलब डिजिग्नेशन, तो यहाँ पे पोस्ट के बाद क्या आएगा पर डे, क्या टाइप करोगे पर डे सैलरी, पर डे सैलरी के बाद यहाँ पे पर डे सैलरी, प्रेस एंटर, राइट एरो ऊपर जाओ, पर डे सैलरी के बाद आपको क्या टाइप करना है
प्रेजेंट डे। क्या रख करेंगे? प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे के बाद यहाँ पे क्लिक करो और आपको यहाँ पे टाइप करना है बेसिक। क्या टाइप करना है? बेसिक सैलरी। क्या टाइप करोगे? बेसिक सैलरी। राइट एरो यून ऊपर जाओ तो यहाँ पे आपको टाइप करना है एच आर ए। क्या टाइप करना है? एच आर ए टी ए डी ए एच आर ए टी ए डी ए। के बाद ग्रॉस। क्या टाइप करोगे? ग्रॉस सैलरी। इसे मैं बताऊंगा क्या है बट जस्ट वेट फॉर नाउ। ग्रॉस सैलरी के बाद पी एफ, उसके बाद पी टी, बाद में नेट सैलरी। क्या करेगी? नेट सैलरी। ओके तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे एक शॉर्टकट है अल्ट एच ओ आई ऑटो फिट, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। बट ऐसे में सिंगल सिंगल कब तक करते बैठूंगा, बहुत टाइम लगेगा। मुझे क्या करना है? शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट राइट एरो, जितना मेरा डेटा है, जितना मेरा रो है उतना मुझे सेलेक्ट करना है। और अल्ट एच ओ आई क्या प्रेस करना है? अल्ट एच ओ आई, तो परफेक्ट एक कॉलम में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ना सीरियल नंबर पे वन टाइप करो, एंटर टू एंटर थ्री एंटर फोर एंटर फाइव एंटर, कुछ रॉन्ग हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव राइट। अब यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय कैसे टाइप करोगे? कोई भी टाइप करो एम्प्लॉय, जो आपके फ्रेंड्स है वगैरह तो भी चलेगा, या आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज है उनके नाम टाइप करो। जिसके मैं टाइप करता हूँ सोनम, उसके बाद राजश्री, उसके बाद भाई, उसके बाद संकेत, संकेत के बाद संतोष। ओके उसके बाद टाइप करोगे पोस्ट। अब पोस्ट क्या है, आपके जो एम्प्लॉयज़ है ना, पोस्ट मतलब मैंने बताया आपको डिजिग्नेशन, जो आपके एम्प्लॉयज़ है ना उनके पोस्ट क्या है, उसके सोनम है मैनेजर, कौन है? मैनेजर, एंटर। राजश्री कौन है? इट इज राजश्री फॉर एसी, एसी फॉर अकाउंटेंट। भाई कौन है? एचआर। संकेत कौन है? क्लर्क। कौन है? क्लर्क। और सी एल आर इट इज अ क्लर्क, शॉर्ट फॉर्म है क्लर्क। और संतोष कौन है? वर्कर। कौन है? वर्कर। ओके तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैनेजर का नाम थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप सी और डी के बीच में यहाँ पे डबल क्लिक क्या कर सकते हो, डबल क्लिक सिंपल। अब उसके बाद पर डे सैलरी, अभी जो सोनम है वो कौन है? मैनेजर है, तो उसकी पर डे सैलरी क्या है, मतलब जो मैनेजर है ना उसका पर डे सैलरी क्या है, तो आपको टाइप करना है पर डे सैलरी यहाँ पे। अभी देखो मैनेजर है तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो मैं यहाँ पे 2000 क्या टाइप करता हूँ, 2000 पर डे, एक दिन का सैलरी। अब पर डे सैलरी कितने? 2000 है, तो नीचे आ जाओ। राजेश का कितना है? इट इज़ 1500। फिर एच आर का कितना है? 1000। फिर संकेत का कितना है? जस्ट लाइक क्लर्क, तो 500। और संतोष का थोड़ा कम है, इट इज़ 300। ओके तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको 800 करते हैं, नहीं 800, इट इज़ 600, इट इज़ 400। ओके फिर प्रेजेंट डे। अब प्रेजेंट डे क्या होगा, जो सोनम है ना कौन है? मैनेजर है, उसकी सैलरी 2000 है, तो मैनेजर कितने दिन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि एग्जांपल मान लो 25 डेज, कितना है? 25 डेज। उसके बाद एसी 29 डेज, उसके बाद एचआर 28 डेज, फिर क्लर्क ऑल टाइम एम्प्लॉय ऑल टाइम 30, फिर बेसिक सैलरी मतलब उनका महीने का सैलरी, तो इज इक्वल टू सिलेक्ट करना है पर डे को, किसको सिलेक्ट करना है? पर डे। ओके और इनटू क्या करना है? प्रेजेंट डे। क्या करना है? प्रेजेंट डे। अब देखो ना 2000
एक दिन का सैलरी, तो वो प्रेजेंट कितने दिन है, 25 डेज। तो 25 डेज का जो सैलरी वो बेसिक सैलरी में ऐड होगा। तो D2 समझे ना आपको, और E2 प्रेस एंटर, कितना हुआ 50,000, कितना हुआ, इसको बोलेंगे बेसिक सैलरी। सिंगल क्लिक करो, यहाँ पे डबल क्लिक करो, बेसिक सैलरी को आप करंट सैलरी बोल सकते हो, जिसका करंट सैलरी, यहाँ पे डबल क्लिक करो, सबका ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझा। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे मैंने दिया HR, HR क्या है, हाउस रेंट अलाउ, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। हाउस क्या है, आपका जो घर है रेंट, जिसका रेंट पे करना होता है, और एक और अलाउ, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे कि पुलिस वगैरह, पुलिस अभी एक सुबह एग्जांपल, एक पुलिस वाला है तो उसको एक कंपनी की तरफ से एक गवर्नमेंट रूम देता है, तो उसको भाड़ा पे करना होता है, तो भाड़ा पे करना होता है, और उसका जो भी रेंट आता है बहुत कम रेंट आता है, बट वो रेंट उनको देना पड़ता है, बट बहुत कम होता है, लाइक 2000 या 2500 वगैरह, अभी थोड़ा बढ़ गया समथिंग 4000 कुछ ऐसे। उनको रूम कैसे मिलता है उनके ऊपर डिपेंड है, अभी 1 BHK मिलेगा तो कुछ ज़्यादा पे करना पड़ता है, 4000 साढ़े 3000, और छोटा रूम है तो 2000 2500 ऐसे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सिलेक्ट द बेसिक सैलरी, अगर आपको HR निकालना है तो सिलेक्ट फॉर बेसिक सैलरी इनटू कितना, एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे 12% दे रहा हूँ, कितना 12%। अब ये कंपनी डिसाइड करेगी किसको HR कितना देंगे, ये मैं एग्जांपल द्वारा ले रहा हूँ, एग्जांपल मान लो कि 12% है। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंगल क्लिक करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ओके। तो ये आपको HR मिलेगा, आया TA फॉर ट्रैवलिंग वाला, तो आपको ट्रैवलिंग कितना मिलेगा, जो आने जाने का खर्चा, आप जो जैसे एग्जांपल बस है या गाड़ी या कंपनी की गाड़ी है, या फिर आप ट्रेन से आते हो, तो जो भी है ट्रैवलिंग खर्चा वो आपको कंपनी देगी, तो कुछ परसेंट जो होते हैं वो आपको कंपनी देती है। तो इज इक्वल टू सिलेक्ट द बेसिक सैलरी इनटू 10%, कितना 10%। तो अभी कैसे होता है, एंटर करो, आया, यहाँ पे डबल क्लिक करो, अगेन। बट ये क्या है, ये बहुत कम कंपनीज में होता है, बट ज़्यादातर क्या होता है बताएं, आपकी जो कंपनी है सब एम्प्लॉय को सेम TA देती है, TA फॉर ट्रैवलिंग। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, समझा। अपने आपको अगर डायरेक्ट टाइप करना है 1000, तो आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, और डबल क्लिक करो। अगर आपको परसेंट से निकलना है तो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको डायरेक्ट निकलना है तो भी कर सकते, बिकॉज ज़्यादातर कंपनी में डायरेक्ट देते हैं, कुछ कंपनी में परसेंटेज देते हैं। TA फॉर ट्रैवलिंग अलाउ, DA फॉर डे नेंस अलाउ, चाय पीने खर्चा, नाश्ता पानी जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है उसको हम DA बोलेंगे, और DA का मतलब दूसरा भी होता है महंगाई भत्ता, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एडवांस सैलरी शीट में। अभी हम बेसिक सैलरी शीट सीखने वाले, क्या सीखने वाले, बेसिक सैलरी शीट। जब मैं आपको एडवांस बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये महंगाई भत्ता होता है। अभी फिलहाल के लिए तो DA क्या करोगे, इज इक्वल DA फॉर डे इन सैलाउ, चाय पानी खर्चा, महंगाई भत्ता, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू, तो आपको कंपनी बेसिक सैलरी से कितना देगी, 5%। एंटर करो, यहाँ पे डबल क्लिक, क्या करना है, डबल क्लिक। अब आता है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी क्या है, पूरा टोटल सैलरी, बेसिक HR, बेसिक HR TA, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके ऐसे पूरा सेलेक्ट करो, सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ऑटो सम क्या प्रेस करना है, ऑटो समझा कि नहीं, या फिर आप डबल क्लिक करो, देखो इज इक्वल टू सम सेलेक्ट ऑल बेसिक सैलरी HR TA, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एंटर, यहाँ पे डबल क्लिक, क्या करोगे, डबल क्लिक। PF क्या है, प्रोविडेंट
फंड जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, और ये प्रोविडेंट फंड आपको मिलेगा बट वो कट होके आपको बाद में मिलेगा। जैसे कि जो आप अभी आप कंपनी में काम करते हो तो आपको ये 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप जॉब छोड़ोगे, जॉब का रिजाइन दोगे। समझे मैंने क्या बोला? जब आप जॉब का रिजाइन दोगे, जब आप जॉब छोड़ोगे, तब आपको पीएफ मिलेगा, जितना 6 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, ऐसे। तो कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 15%। कितना? एग्जांपल, कंपनी डिसाइड करेगी आपको पीएफ कितना मिलेगा, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, पीडी फॉर प्रोफेशनल टैक्स, क्या बोलोगे? जो कंपनी की तरफ से कंपल्सरी आपका टैक्स लगता है, जो भी आपकी सैलरी है उसमें जो आपका टैक्स होता है छोटा, वो कंपल्सरी कटता है, उसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल टैक्स। इज इक्वल टू क्रॉस इनटू 2%। अब ये 2% में मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या है? आपके जो में नेट सैलरी क्या है? आपके जो हाथ में आती है हैंड, उसको हम बोलेंगे नेट सैलरी। आपकी कंपनी आपको जो सब कट करके जो सैलरी देती है आपके हाथ में एज ए हैंड, उसको हम नेट सैलरी बोलेंगे। तो इज इक्वल टू ग्रॉस। अब इसमें माइनस क्या होगा? पीएफ, बिकॉज माइनस पीएफ आपको बाद में मिलेगा, अभी तो नहीं मिलने वाला, जब आप जॉब छोड़ोगे, जॉब का रिजाइन दोगे। और उसमें क्या माइनस होगा? आपका टैक्स, पीटी, राइट ना? क्लिक किया, माइनस करो, ये देखो, ध्यान से देखना मैंने क्या किया। ओके, एक बार फिर से देखो, इज इक्वल टू क्रॉस माइनस पीएफ माइनस पीटी, और इंटर करो। यहाँ से क्या करोगे? डबल क्लिक। समझा? अभी आपकी टोटल सैलरी है 59,500, और उसमें से पीएफ और पीटी माइनस हुआ तो बचा कितना? सीधी सी। अब आपको क्या करना है? यहाँ से माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करने के बाद बीच में क्लिक करो, कंट्रोल ए। क्या प्रेस करोगे? बाहर क्लिक मत करना, अंदर क्लिक करो, कंट्रोल ए प्रेस करना है। इट इज ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल ए फॉर ऑल सिलेक्ट, और अल्ट एच बी ए, इट इज ऑल बॉर्डर, अल्ट एच बी ए, इट इज ऑल बॉर्डर, सिलेक्ट फॉर सीरियल नंबर, और अल्ट एच आई आर। क्या प्रेस करोगे? अल्ट एच आई आर, इट इज अ इंसर्ट रो, शिफ्ट राइट एरो, सिलेक्ट, मर्ज करो, अल्ट एच एम सी, अल्ट एच एम सी, और टाइप करो, इट इज अ सैलरी शीट। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हो। यहाँ से आपको कलर देना है, आपको जो भी कलर पसंद है आप दे भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ से वाइट कलर पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कंट्रोल ए करो, सिंपल। यहाँ से सबको बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझा? ये था हमारा आज का टॉपिक, ओनली फॉर सैलरी शिफ्ट। इसको हम सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस। क्या करोगे? कंट्रोल एस फॉर सेव, क्लिक द डेस्कटॉप एंड टाइप फॉर सैलरी शिफ्ट। ओके, एंड सेव नाउ, सी दिस। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, सैलरी शीट। तो कैसा लगा आपको दोस्तों? तो वीडियो पूरा देखो अच्छे से प्रॉपर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइवोट टेबल कैसे बनाते। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विंडो आर एक्सेल टाइप करना है,
एक्सेल टाइप करने के बाद प्रेस एंटर, यहाँ से मैक्सिमाइज करो, थोड़ा जूम करो, और सबसे पहले आपको पाइवट टेबल में करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर, क्या टाइप करोगे, सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ कस्टमर, क्या टाइप करोगे, नेम ऑफ कस्टमर, प्रेस एंटर, और यहाँ पे कट करो। यहाँ पे आपको तो पता है क्या करना है, जो नेम ऑफ कस्टमर है ना उसके ऊपर देखो बी एन सी, इन दोनों के बीच में डबल क्लिक, क्या करोगे, डबल क्लिक। यहाँ पे प्रोडक्ट, क्या टाइप करोगे, प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है क्वांटिटी, क्या टाइप करना है, क्वांटिटी, सी दिस नाउ। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ भी क्या है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, जितने आपके नंबर है उतने आप टाइप करो, 4 एंड 5। फिर यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर, और यहाँ पे देखो ना एक चीज़ में, यहाँ पे एक चीज़ में मैंने मिसिंग की है, यहाँ पे एक जो कॉलम है ना वो मैंने मिसिंग किया है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ए ना ए, इस पर क्लिक करो और राइट क्लिक करके इंसर्ट करो, समझो मैंने क्या किया, कॉलम कैसे इंसर्ट करते, या फिर आप वन, या फिर आप ये जो ए ना ए, इस पर क्लिक करके कंट्रोल प्लस, क्या करोगे, कंट्रोल प्लस, तो भी चलेगा, कंट्रोल प्लस, या भी और एक भी शॉर्टकट है, ये जो नाम है ना सीरियल नंबर, यहाँ पे सिंगल क्लिक, यहाँ पे अल्ट एच आई सी, क्या प्रेस करोगे, अल्ट एच आई सी, यहाँ पे टाइप करना है आपको डेट, क्या टाइप करना है, डेट, यहाँ पे डेट टाइप करो 10-5-2019 एग्जांपल। यहाँ पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल डी, फिर उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर, जैसे कि मैंने टाइप किया पूजा, समीर, समीर, संजना, उसके बाद सना एंड प्रिया, प्रिया, उसके बाद प्रोडक्ट डीवीडी, वीसीडी, एलसीडी, टीवी, मॉनिटर, ओके, क्वांटिटी 22, 33, 55, 66, ये अपने हिसाब से डाल तो भी चलेगा। ओके एंड देन थोड़ा माइनस करो। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे डेट से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है, क्या करना है, सिलेक्ट, और कंट्रोल सी फॉर कॉपी, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, जस्ट वेट, आपको क्या करना है, ये डेट से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है, ऊपर का डेट नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी बटन प्रेस करना है, उसके बाद सिंगल क्लिक करो उसी के नीचे और कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे वन की जगह टू टाइप करो, क्या टाइप करोगे, टू, और ये नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल डी, ये फर्स्ट डेट हुआ और ये सेकेंड डेट हुआ, इसी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट, थोड़ा और माइनस करो, यहाँ पे आपको दो की जगह तीन करना है, क्या करना है, तीन, तो तीन से लेके यहाँ पे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, ये एक तारीख, दो तारीख, तीन तारीख, एक तारीख को इन कस्टमर ने कैंसिल किया, दो तारीख को इन कस्टमर ने कैंसिल किया, तीन तारीख को इन कस्टमर ने कैंसिल किया। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बस क्वांटिटी चेंज करना है, ये जो प्रोडक्ट्स है ना वो सेम रहने दो, जैसे कि यहाँ पे ये दो तारीख है, तो दो तारीख को, हाँ, तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी चेंज करना है, बिकॉज हर दिन सेम माल सेल नहीं होता ना, तो यहाँ पे मैं 66, 45,
फिर यहाँ पे 3 तारीख को, 3 तारीख को सिलेक्ट, जितना सेल हुआ है उतना टाइप करो। ओके नेक्स्ट, अब क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको लास्ट टाइम एक शॉर्टकट बताया, अगर आपको लॉन्ग कट करना है तो आपको यहाँ से बॉर्डर में जाके आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर, क्या देना है, ऑल बॉर्डर, या फिर आप शॉर्टकट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अल्ट एच बी ए फॉर ऑल बॉर्डर, सिंपल। तो अभी क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, कहाँ जाना है, इंसर्ट, इंसर्ट में मैं जूम करके आपको बताता हूँ कहाँ पे जाना है। क्या करना है, ऑल डेटा सेलेक्ट करो, इंसर्ट में जाना है, कहाँ जाना है, इंसर्ट, इंसर्ट में कहाँ जाना है, पाइवट टेबल में, सिलेक्ट द पाइवट टेबल। जैसे ही क्लिक करोगे राइट साइड में दो ऑप्शन आएगा, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो आपको कहाँ जाना है, न्यू वर्कशीट में जाना है, तो यहाँ पे ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ पे 5 ऑप्शन है, डेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कस्टमर एंड प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो डेट है ना, डेट, इस डेट को उठा के रिपोर्ट फिल्टर में डालना है, कहाँ पे, सीरियल नंबर को मूव करना है और डेट के नीचे यहाँ पे दिखाई दिया ऐसे, सीरियल नंबर नहीं ले तो भी चलेगा कोई इशू नहीं, बट ले लो, नेम ऑफ कस्टमर उठा के आपको रो में डालना है और प्रोडक्ट आपको कॉलम में डालना है एंड क्वांटिटी उठा के वैल्यू में, कंपलसरी वैल्यू में डालना है, सिंपल, समझा। बट पाइवट टेबल में मुझे कलर चेंज करना है, तो डिज़ाइन में जाओ, यहाँ से एरो में जाके अलग अलग कलर से दिखाई दिया, आपको जो भी पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इसको बॉर्डर देना है तो यहाँ पे जाओ, ये देखो बॉर्डर वाला भी है, ये देखो बॉर्डर वाला, सिंपल, आपको जैसा चाहिए वैसा आप अपनी हिसाब से कलर दे सकते हो। ओके, इसका दूसरा भी एक मेथड है, तो आपको क्या करना है, डेटा आने के बाद आपको, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना बताएं, पूजा, प्रिया, समीर, सनाई, तो मुझे ना पूजा ने एक दिन में कितना सेल किया ये जानना है, तो डेट में जाओ और उसका जो एरो एंड एरो इस पर क्लिक करो, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम में जाना है और ऑल को है ना, ऑल दिखा दो, ऑल, इस ऑल को हटा दो, और आपको क्या करना है, मुझे बस 1 तारीख का जानना है कि 1 तारीख को पूजा ने कितना सेल किया। ओके करो, सी दिस नाउ, दिखा दिया तो शो करेगा, तो पूजा ने, प्रिया ने, समीर ने, सना ने, संजना ने कितना सेल किया, दिखाई दे आपके सामने। फिर से जाओ और यहाँ पे 2 तारीख को क्लिक करो और ओके करो, आया ऐसा, फिर 3 तारीख पे क्लिक करो, ऊपर काटा दो, ये देखो 3 तारीख का है, सिंपल। तो ऐसे आप हर एक सेल्समैन का डेटा सिंगल सिंगल देख सकते हो, अगर एक साथ देखना है तो उसी के बारे में जाओ, सिलेक्ट ऑल करो, दिखाई दिया ये ना, ऑल, ऑल पे क्लिक करके ओके करो, समझा। ये था हमारा आज का टॉपिक, ओनली फॉर क्रिएट पाइवोट टेबल, क्रिएट पाइवोट टेबल। तो आज के लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है वी लुकअप एडवांस कैसे करना। जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाया था वीडियो वो बेसिक वी लुकअप था, तो चलिए देखो। तो पहले क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम डेटा पढ़ाया था ये वही डेटा है, बस थोड़े कुछ मैंने नाम चेंजेस किए, इसी में हम लोग थोड़ा एडवांस करेंगे। तो करना क्या, बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी फॉर कॉपी, क्या करोगे, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, उसके बाद आपको बाजू में सिंगल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करने के बाद आपको जाना है होम के अंदर पेस्ट में, दिखाई दिया इसके एरो में जाना है और यहाँ पे ये जो दिखाई दिया छोटा वाला ट्रांसपोज, इस पर क्लिक करना है। बट लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था वो था बेसिक, मतलब माउस से मैंने आपको क्लिक करके बताया था, अब हम सीखेंगे एडवांस कैसे करना। तो एडवांस के लिए सेम थिंग, सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी फॉर कॉपी, सिंगल क्लिक करना है और अल्ट एच वी टी, क्या प्रेस करना है, अल्ट एच वी टी फॉर ट्रांसपोज। तो
ये था शॉर्टकट। तो यहाँ पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल नंबर आपको शो करना है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। होम में जाना है, कहाँ जाना है, होम में। होम में कहाँ जाना है, डेटा रोटेशन में जाना है, और यहाँ पे डेटा रोटेशन पे क्लिक करना है, राइट। अब यही मुझे शॉर्टकट करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है। अल्ट प्रेस किया, अल्ट के बाद आपको ए प्रेस करना है, अल्ट ए, उसके बाद डबल वी, क्या प्रेस करना है, डबल वी, सी दिस नाउ। फिर आपको जाना है यहाँ पे एरो में जाना है, उसके बाद लिस्ट पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, लिस्ट। लिस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सोर्स नाम है, क्या नाम है, सोर्स। मैं जूम करके बताता हूँ, क्या नाम है, सोर्स, दिखाई दिया यहाँ पे, क्या नाम है, सोर्स। इस सोर्स पे क्लिक करना है, एरो में गए, लिस्ट पे सिलेक्ट किया, सोर्स पे क्लिक किया, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो है ना बिल नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है, सी दिस नाउ। आया, तो आपको एरो में जाना है, यहाँ पे अलग अलग क्या है, लिस्ट है, क्या है, अलग अलग लिस्ट है। तो कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो, सिंपल। अभी आपको करना क्या है, लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था वो था कि आप FX में जाओ वगैरह। कहाँ जाओगे, FX में जाओ, कहाँ जाना है, FX में। ये सब मैंने आपको बताया था, ये वी लुकअप सिलेक्ट करो, ओके करो, राइट ना। बट अभी आपको ये नहीं करना, बिकॉज मैं आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, एडवांस। तो उसके लिए क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, ये था ना जी, यहाँ पे ओके करो, ये सब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी ऐसा नहीं, अभी आपको क्या करना है, इज़ इक्वल, मैं थोड़ा आपको जूम करके बताता हूँ, क्या प्रेस करना है आपको यहाँ पे, इज इक्वल टू वी एल, क्या प्रेस करोगे, वी एल। तो कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करो, वी एल टाइप करके, आया। फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है यहाँ पे इस नंबर पे, फिर सिंगल कॉमा दो, क्या दोगे, सिंगल कॉमा। सिंगल कॉमा के बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करना है, क्या करना है, पूरा सिलेक्ट। फिर सिंगल कॉमा दो, और यहाँ पे आपको टू प्रेस करना है। अभी टू क्यों, बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फर्स्ट बिल नंबर इट इज़ अ फर्स्ट कॉलम, नेम ऑफ कस्टमर इट इज़ अ सेकेंड कॉलम, तो वहाँ पे आपको सेकेंड लिखना है, कॉमा जीरो, क्या प्रेस करना है, जीरो, इट इज़ अ मैच, जो मैंने फॉर्मूला बनाया उसको मैच करने के लिए आपको जीरो टाइप करना है उसको। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो, आया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सीधा से आपको ड्रैग करना है, बट ड्रैग करने के बाद आंसर आया क्या, नहीं, एन एन आया ना हैशटैग, तो आपको कंट्रोल जेड, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल जेड। तो आपको यहाँ पे क्या प्रेस करना है, टू, क्या प्रेस करना है, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, राइट ना, यस। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप किए, ओके, नंबर टाइप किया, उसके बाद यहाँ पे जो सोनम है ना, सोनम, इस पर डबल क्लिक, क्या करोगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो टू है ना, टू, इस टू को कट, क्या करोगे, कट, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है, दिखाई दिया, बस एंटर बटन प्रेस करो, ओके, एंटर बटन प्रेस किया, उसके बाद डबल क्लिक करो, क्या करोगे, डबल क्लिक। और ये जो H1 है ना, H1, ये जो H1 है ना, इसको आपको F4, F4 मतलब लॉक, क्या करना है, लॉक करना है, समझा, सिंपल, ओके, ऐसे। अगर आप कीबोर्ड, घर का कीबोर्ड यूज़ करते हो तो आपको ओनली F4 बटन प्रेस करना है, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो FN, F4 यूज़ करना है, एंटर। तो यहाँ से आपको ट्राई करना है, सी दिस नाउ। मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ ना, जस्ट आई विल चेक नाउ। हाँ, यहाँ पे ना ये जो है ना, ये इसको भी आपको लॉक करना है, ये A1 है ना, A1, इसको भी FN, F4, क्या प्रेस करना है, FN, F4, समझा, ऐसे एंटर। यहाँ से क्या करोगे, ड्रैग करो, सिंपल, समझा आपको। होम में जाओ, उसको सेंटर में लो, क्या लोगे, सेंटर में, ऐसा। फिर आप एरो में जाओ, इसको आप प्रॉपरली चेंज कर सकते हो, देखो, समझा कि नहीं, ऐसे, ओके। तो ये था आपका वी लुकअप एडवांस। अब मैं आपको इससे भी थोड़ा सा एडवांस पढ़ाने वाला हूँ, तो वो क्या है देखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है नंबर, इसको आप राइट क्लिक करके हाइड भी कर सकते हो, राइट ना। अगर आपको फिर से वापस चाहिए तो ई और जी को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक, अनहाइड, क्या करोगे, अनहाइड, सिंपल,
समझा आपको ये मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है, पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करके अल्ट एच वी टी क्या प्रेस करना है, अल्ट एच वी टी। ओके, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक जो मैंने आपको बताया था, सेम थिंग ना, डेटा में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट द नंबर, यहाँ से ओके करना है, बराबर है ऐसा। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, इज इक्वल टू वी एल जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बराबर है। ओके, टैब बटन प्रेस करो, क्या प्रेस करोगे, टैब बटन प्रेस करो। टैब बटन प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट द ये जो बिल नंबर, इस पर क्लिक करना है। ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड कॉमा दो, कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट करना, राइट ना। और ये जो मैंने आपको बताया था सिलेक्ट करना, राइट ना, और अभी मुझे ना इसको सिलेक्ट नहीं करना, बिकॉज डेटा अगर आपका बड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना, मैं इसको पूरा कट करता हूँ। आपको क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डेटा ये जो नहीं A1 यहाँ पे क्लिक करना है, और नाम देना है लिस्ट, क्या नाम देना है, लिस्ट वन, क्या नाम देना है, लिस्ट वन, दिखा दिया, सी दिस नाउ, ये देखो यहाँ पे लिस्ट वन नाम दो। नाम देने के बाद आपको एंटर क्या प्रेस करना है, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, और इज इक्वल टू वी एल, क्या टाइप करोगे, वी एल। ओके, सिलेक्ट द बिल नंबर, कॉमा देना, फिर आपको लिस्ट क्या टाइप करना है, लिस्ट, ये देखो लिस्ट टाइप किया, और वन टाइप करो। वन टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन। तो आपको क्या करना है, कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद टू टाइप करना है, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करना है, आया कि नहीं, समझा। अब जिसको ना डायरेक्टली ड्रैग करना है, क्या करना है, ड्रैग, तो उसके लिए क्या करोगे, डबल क्लिक, क्या करोगे, डबल क्लिक। और यहाँ पे ये जो है ना एट, इसको F4 क्या प्रेस करोगे, F4। ये जो टू एन टू, ये जो टू एन टू, इसको कट करो, और यहाँ पे सिलेक्ट करो, और एंटर करो, उसको यहाँ पे क्या करोगे, ड्रैग करो, क्या करोगे, ड्रैग। बट आया क्या प्रॉपरली, नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2, 3, 4 and 5 करना है, समझा आपको, सिंपल आया कि नहीं। इस नंबर को हाइड करना है, तो मैंने आपको बताया था राइट क्लिक हाइड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। शो करना है, तो ई और जी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, अनहाइड करो। ओके, और जो लास्ट थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड, तो आपको क्या करना है, सेम चीज सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पे क्लिक करके अल्ट एच वी टी क्या प्रेस करना है, अल्ट एच वी टी, अल्ट एच वी टी। बहुत ही सिंपल एंड ईजी है, जिसे मैंने आपको बताया था सेम चीज़, डेटा में जाओ, डेटा एडिट में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद लिस्ट पे सिलेक्ट करना है, क्लिक द सोर्स, उसके बाद सिलेक्ट करना है, एंड ओके करना है, एरो में जाओ, सिलेक्ट किया। अब इज इक्वल टू वी लुकअप, क्या टाइप करोगे, वी लुकअप, फिर सिलेक्ट करना है नंबर, फिर कॉमा देना है लिस्ट जो मैंने आपको बनाया था, टैब बटन प्रेस करके सिलेक्ट करना है, कॉमा 2, 0। अभी यहाँ पे ना क्या करना बताएं, अब मुझे ना डायरेक्ट ये जो नंबर है, नंबर 2, 3, 4, ये मुझे देना नहीं, डायरेक्ट ड्रैग करना है। तो डबल क्लिक करके जो 2 and 2 जो मैंने आपको बताया था, सी दिस नाउ, इस 2 को कट करके आपको रो क्या टाइप करना है, रो, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ओके, और एंटर क्या प्रेस करना है, एंटर। आया कि नहीं, ये देखो आया कि नहीं, बट ड्रैग करोगे तो आएगा क्या, नहीं ना। तो आपको क्या करना है, ये जो K1 है ना, K1, इसको F4 क्या प्रेस करोगे, F4 किया, सिंपल ना, फिर यहाँ पे आया, एंटर करो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ड्रैग करना है, होम में जाओ, थोड़ा सेंटर लो, सिंपल। अभी आपको क्या करना है, ओके, फिर उसके बाद एरो में जाओ, चेंज करो, जैसे आप चेंज करोगे ना, ये देखो, समझा, ऐसे। तो आप हर एक का डेटा सिंगल सिंगल देख सकते हो, उसको बोलते हैं एडवांस वी लुकअप। ये आपको
बताना जरूरी है, राइट। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। सीखते रहूँगा, सिखाते रहूँगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो